डियर स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के रिवीजन टेस्ट पेपर अभी खत्म हुए हैं तो उनके रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट आया हुआ है। आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे। 4 दिसंबर तक रिजल्ट घोषित करने की हिदायत दी गई है डीएम के द्वारा और 5 दिसंबर को विमर्श पोर्टल पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। देखिए इस न्यूज में क्या कुछ खास बताया गया है। लोक शिक्षण संस्थान द्वारा अब तक कराई गई ऑनलाइन परीक्षा के लिए लिए गए रिवीजन टेस्ट का रिजल्ट है वो 4 दिसंबर तक घोषित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों को दिए हैं। यानी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने जितने भी स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल्स को बता दिया है कि 4 दिसंबर तक रिजल्ट घोषित करना है ताकि सभी प्राचार्य रिवीजन टेस्ट के रिजल्ट को 5 दिसंबर तक विमर्श पोर्टल पर लोड करें ताकि जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय भेजी जा सके। बताया गया है कि शिक्षकों द्वारा शुरुआत से ही जमा कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया गया था। यानी इसका मतलब यह है जैसे ही आपका पहला पेपर खत्म हुआ उसकी जांच का कार्य उसी दिन से शुरू हो गया था। छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए नंबर दिखाने की प्रक्रिया स्कूलों में प्रारंभ कर दी गई है। तो फ्रेंड, अगर आप अपने नंबर का पता करना चाहते हो तो स्कूल में जाकर के पता कर सकते हो। आपको कॉपी भी वहां पर दिखा दी जाएगी आपको कितने नंबर दिए गए हैं। कई स्कूलों में तो रिजल्ट विमर्श पोर्टल पर अपलोड भी करना प्रारंभ कर दिया गया है। यहां पर फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इस सब के अंक हैं वो वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे जो रिविजन पेपर हुआ है इसके। छात्र छात्राओं का लिया गया रिविजन टेस्ट इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह ही माना जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं को दिए गए अंक और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित विद्यालय में रखा जाएगा क्योंकि रिवीजन टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में जोड़े जाएंगे। इसलिए पहले से यह निर्देश दे दिए गए थे कि कोई भी छात्र इस रिवीजन टेस्ट से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह रिवीजन टेस्ट सभी छात्रों के लिए कंपलसरी था। और फ्रेंड, अभी तक जिन छात्रों ने क्लास 10th और 12th के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनके लिए एमपी बोर्ड एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। 10वीं और 12वीं के छात्र अब 15 दिसंबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। छात्र 15 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इस बात महासिम ने सूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि इस बार कोरोना काल के चलते महासिम ने परीक्षा फॉर्म भरने की कार्रवाई विलंब से शुरू की। यानी गत 2 नवम्बर से 30 नवम्बर तक फॉर्म भरने का समय महासिम ने नियत किया था, परंतु उक्त अवधि में सभी छात्रों के फॉर्म नहीं भर सके। इस कारण महासिम ने अब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में इजाफा किया है। नियत तिथि 15 दिसंबर के बाद फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भर सकेंगे। यानी 15 दिसंबर तक आप पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर 15 दिसंबर के बाद आप परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हो तो आपसे लेट फीस ली जाएगी और आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। तो फ्रेंड, यह था आज के लेटेस्ट 2 अपडेट जो हमने आपको दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।